भरी आवाज और परेड की ऐसी धमक कि देखने वालों के दिलों में देशभक्ति की भावना जाग उठे। ये नजारा है गुजरात के बनासकांठा स्थित बीएसएफ के नाराबेट बॉर्डर आउटपोस्ट का, जहां रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात सरकार और बीएसएफ के मिले जुले प्रयास से पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की सीमा से लगते इस पोस्ट पर सीमा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रिट्रीट समारोह इसी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे देखने के लिए गुजरात के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र से हजारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ उनको एक फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें बीएसएफ की पूरी कार्य पद्धति से वो लोग अवगत होते हैं। फिर बीटिंग रिट्रीट यानी जो झंडा उतारने की सेरेमनी है वो देखते हैं। इस सब के दरमियान उनको बीएसएफ के अधिकारी और जवानों के साथ चर्चा करने का, मिलने का, इंटरेक्ट करने का अवसर मिलता है। यहाँ आने के बाद जो लोग हैं, एक अपने आप में बहुत मतलब उनके लिए लाइफ टाइम एक अनुभूति होती है कि हमने पहली दफ़े बॉर्डर देखा, और वो भी एक ऐसा बॉर्डर देखा जहाँ पर आप पीछे से आए हैं तो पिछले 40 किलोमीटर में कोई आबादी नहीं है। यहाँ पर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, और एक फख्र का भाव होता है उसमें। बीएसएफ का मकसद सीमा दर्शन कार्यक्रम के जरिए बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और हर शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को अब तक करीब 3 लाख लोग देख चुके हैं। आदमियों को पूरा जानकारी मिली है कि किस हिसाब से हर परिस्थिति है, हमारे जवान कैसे रहते हैं और क्या पूरी कुदरती वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स है कि इस हिसाब से डेवलपमेंट जो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वी गेट टू सी एंड वी गेट टू नो फर्स्ट हैंड कि किस तरह से रहते हैं, किस तरह से लोग रक्षा करते हैं। एंड वेल आई वाज टोटली चार्ज विद इमोशंस यू नो, एंड सो हम यही कह रहे थे कि अपने बच्चों को भी यहाँ ले आए यू नो। एंड देन बाद में जब मैंने और पूछताछ की तो पता चला कि ये दिस एंटायर थिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सीमा दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने का मौका मिलता है, साथ ही बीएसएफ के जवान किस तरह सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं ये जानने और समझने का मौका भी लोगों को मिलता है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।